हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ललित फ्रेग्रेंस। और मेरा नाम है ललित कौशिक। आज मैं आपको क्रीट के दो फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताऊंगा। एक का नाम है वादी पोर्चुगल और दूसरे का नाम है एरोल्फा। ये इंस्पायर्ड है फॉरेस्ट लाइफस्टाइल से और ये इंस्पायर्ड है मरीन लाइफस्टाइल से। सो दोनों के दोनों अलग वर्ल्ड को कैप्चर करते हैं, दोनों की खुशबू एक दूसरे से अलग है। आप सब लोग जानते हैं कि क्रीट का सबसे फेमस जो फ्रेग्रेंस है वो क्रीट का एवेंटस है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। ये समझ लीजिए कि जो क्रीट को लोग जानते हैं वो एवेंटस की वजह से ही जानते हैं। एक पहचान जो दिलाई थी क्रीट को वो एवेंटस ने ही दिलाई थी। लेकिन एवेंटस जो है वो इतना कॉमन हो चुका है, इतना पुराना फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, नो डाउट अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, बट इतना कॉमन हो चुका है, सबके पास वो मिल जाता है, महंगा है, लेकिन उसके क्लोन्स भी इतने सारे बन चुके हैं मार्केट में, सस्ते से लेके महंगे तक उसके क्लोन्स मिल जाएंगे आसानी से मार्केट में। मैंने सोचा कि क्यों ना क्रीट के कुछ और जो हिडन जेम्स हैं उनकी बात की जाए। तो मैं बात करूंगा एक एक करके इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में। ये जो मेरा एरोल्फा है ये 2015 बैच है, और ये जो मेरा वादी पोर्चुगल है ये है लेटेस्ट बैच। तो मैं देखूंगा कि पुराने बैच में और नए बैच में भी कितना फ़र्क है, फॉर्मुलेशन में कुछ फ़र्क है भी या नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। और गाइज, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जितना आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे इसी तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करता जाऊँगा, आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए कॉन्टेंट्स लेता आऊँगा। और आप लोगों को किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस खरीदनी है तो मैं यहाँ पे एक ऑथेंटिक सेलर का नंबर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे उनसे बाय कर सकते हैं फ्रेग्रेंसेस। किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस चाहिए, ऑथेंटिक फ्रेग्रेंसेस है। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस भी मैंने वहीं से परचेज की है, आप भी परचेज कर सकते हैं फ्रेग्रेंसेस। और वैसे आपको किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस के रिलेटेड क्वेरी है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो रीडायरेक्ट करेगा आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। तो फ्रेग्रेंस रिगार्डिंग कुछ भी बात पूछ सकते हैं आप मेरे से। सो गाइस, बात करते हैं वादी पोर्चुगल की। 1987 में ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी। इस फ्रेग्रेंस को जो बनाया है ओलिवियर क्रीट ने ही बनाया है, जो इस ब्रांड के फाउंडर हैं और काफी बड़े परफ्यूमर भी हैं। सो गाइस, इसकी क्रिएशन कैसे हुई मैं आपको समझाता हूँ। जो ओलिवियर क्रीट है ये ट्रैवल कर रहे थे आइबीरियन फॉरेस्ट में, एक पेनिनसुला है जो पोर्चुगीज हाईलैंड्स में, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसमें जिस तरीके की खुशबू आती है वो इस फ्रेग्रेंस के अंदर उतारी गई है। और जो इसका जो कलर है, जो यहाँ पे जो इस पर स्टिकर लगा हुआ है, ये भी ग्रीन कलर का है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन वाइब को, ग्रीन खुशबू है इसके अंदर। तो ये एक वुडी स्पाइसी ग्रीन एरोमेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, फुजेर है, टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, कम्प्लीटली मैस्कुलिन है, एक बहुत ही पावरफुल सेंशुअल मिस्टीरियस खुशबू है ये, फुजेर ओल्ड मनी बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये। क्रीट की एक लाइन है मिलेसिम लाइन है, और उस लाइन में ये फ्रेग्रेंस भी आती है, और जो एरोल्फा जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ वो भी मिलेसिम लाइन में आती है। मिलेसिम का मतलब क्या होता है? जो मिलेसिम टर्म है वो यूज होता है वाइन प्रोडक्शन में, अब उसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ द क्रॉप। सो जो क्रीट ने अपने इस लाइन में जो इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी है, तो इस तरीके की जो लाइन है वो मिलेसिम लाइन में आते हैं फ्रेग्रेंसेस। आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि क्रीट का ही एक फ्रेग्रेंस है मिलेसिम इंपीरियल, तो वो भी उसी लाइन में है, बट मैंने आपको समझा दिया कि मिलेसिम का मतलब होता क्या है। तो क्रीट जो है अपने फ्रेग्रेंसेस में बेस्ट ऑयल और बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की खुशबू की बात करूं तो इसमें जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो हैं, इसमें टॉप नोट में आपको मिलेगा बर्गमो, लेमन, लाइम, मैंडरिन और बेजिल। हार्ट नोट में आपको इसके अंदर मिलेगा लेवेंडर, और इसके अंदर जो कुछ एग्जॉटिक वुड्स और स्पाइसी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है वो है इसके अंदर सिडार वुड, माइजोर का सैंडलवुड, वेटिवर और पचूली, और जो बेस नोट है इसका थोड़ा वुडी और अर्दी बना देता है। और इस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत ही रिफाइंड फिनिशिंग का एम्ब्रोजियन का इस्तेमाल किया गया है। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है मुझे, थोड़ा हटके है एवेंटस क्योंकि इतना कॉमन हो गया है तो बिल्कुल भी मिलती जुलती लगती नहीं है। बहुत ही वेरिएबल फ्रेग्रेंस है, फोर सीजन फ्रेग्रेंस है, साल में आप किसी भी सीजन में पहन सकते हैं, किसी भी, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी है, किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। एक बहुत ही महंगी फीलिंग आती है, बहुत ही लग्जूरियस फीलिंग आती है इसको पहनकर, और जो एक कंपनी के बॉस होते हैं एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी क्रिएट करती है आपकी ये फ्रेग्रेंस, और अटेंशन ग्रैबर है ये फ्रेग्रेंस, और एक कैरेक्टर देती है आपको जब ये फ्रेग्रेंस आप पहनेंगे। एग्जैक्टली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने जब फ्रेग्रेंस पहना है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं, लोगों ने पूछा भी है इस फ्रेग्रेंस के बारे में मेरे से। और अब मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इसकी मॉडरेट है, मैं ये नहीं कहूंगा ये बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, एक मॉडरेट फ्रेग्रेंस है। लास्टिंग की बात करूँ तो स्किन पे आपको 5 से 6 घंटे लास्टिंग मिलेगी, कपड़ों पे 8 से 10 घंटे लास्टिंग मिलेगी आपको इसकी, और सियाज की बात करूँ तो 1 से 1.5 फीट तक सियाज जाता है। तो ये फ्रेग्रेंस कैसी है? ये फ्रेग्रेंस अपने लिए ज़्यादा है,
और आपके आसपास कोई इंसान होगा तो उसको ये फ्रेग्रेंस आएगी, इसके नुआंसेस आएंगे, बट कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस है, थोड़ा हटके है इस लाइन में। अब एवेंटस जो है वो इतना कॉमन हो चुका है तो पता ही नहीं चलता कि किसी ने एवेंटस पहना है या कोई उसका क्लोन पहना है, लेकिन इसके क्लोन्स बहुत कम है और ये हिडन जेम है। तो एक क्लासिक जेंटलमैन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, रिच वुडी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, आई मीन बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 8 out of 10 और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। आप अपने कलेक्शन में क्रीड को रखना चाहते हैं और एवेंटस से हटके कुछ चाहते हैं तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये है क्रीड का बुआ दू पार्टिकल। और गाइज अब फॉरेस्ट से निकल के समंदर की तरफ आ जाते हैं और अब बात करते हैं, ये है क्रीड का एडोल्फा। 1992 में ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुआ था और इसको भी ओलिवियर क्रीड ने ही बनाया है। अब इसकी कहानी बताता हूँ ये क्रिएट कैसे हुआ। ये जो फ्रेग्रेंस है ये एरोमेटिक मरीन फ्यूजर एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी, जो इसके परफ्यूमर हैं ओलिवियर क्रीड, उन्होंने ये क्रिएट कैसे किया। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो ओलिवियर क्रीड हैं वो अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पे गए हुए थे। उनका खुद का ही प्राइवेट यॉट है तो उसमें वो ट्रैवल करने गए थे मेडिटेरेनियन सी में। तो उस टाइम पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, जिस तरह की खुशबू एक्सपीरियंस की, एक ओशियन है जहाँ पे एक सॉल्टी मरीन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, तो एक स्पार्कलिंग सी है और एक सॉल्टी एयर है, सिट्रसेस हैं इसके अंदर। तो वो सारा जो आइडिया था, वो जगह थी, वो मेमोरी थी, वो एक्सपीरियंस था, उन्होंने फिर फॉर्मुलेशन किया और ये एडोल्फा बनाया। और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इस नाम के पीछे। जो एडोल्फा नाम है उसका नाम मैं बताता हूँ, एडोल्फा इसका नाम कैसे पड़ा। जो ओलिवियर क्रीड है उनकी जो फैमिली है उनके बेटे का नाम है एरविन, तो एरविन से उन्होंने ER लिया। फिर उनकी जो बेटी है उनका नाम है ओलिविया, तो ओलिविया का OL लिया। और ओलिवियर क्रीड की जो वाइफ है उनका नाम है फैबियन, तो फैबियन से FA लिया। तो इस तरीके से एडोल्फा बना। और जो एडोल्फा है, जो मैंने आपको बताया अभी कि इनके जो प्राइवेट यॉट है उसका नाम, उस यॉट का नाम भी इन्होंने एडोल्फा रखा है। तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि जो इसके परफ्यूमर हैं ओलिवियर क्रीड, उनको अपनी फैमिली से कितना प्यार है, कितना लगाव है। अब गाइस अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये भी एक वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। समर्स में भी इसको आराम से लगा सकते हैं, विंटर्स में भी लगा सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को आप। तो गाइस एक मॉर्निंग से इवनिंग तक की फ्रेग्रेंस है ये, तो किसी को परेशान नहीं करेगी। बहुत ही सेफ फ्रेग्रेंस है, बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं। ऑफिस में लगाइए, पार्टी में लगाइए, वेकेशंस पे लगाइए, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है ये। और गाइस इसकी जो खुशबू है, मुझे क्रीड का ये फ्रेग्रेंस है सिल्वर माउंटेन वाटर, कहीं ना कहीं मुझे उसकी भी याद दिलाता है ये। और ये इसका बॉक्स है और मैं आपको दिखाऊं, इसके पीछे लिखा हुआ है मिलेजिम, यहाँ पे पीछे मिलेजिम लिखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया मिलेजिम का मतलब क्या होता है। इस लाइन में जो जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी के ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है। और गाइस अगर मैं एडोल्फा की खुशबू की बात करूं तो इसके जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो हैं इसके अंदर बर्गमॉ, मैंडरिन, जिंजर, बेजिल। बर्गमॉ और मैंडरिन जो इसको फ्रेशनेस दे रहे हैं और जो बेजिल और जिंजर है उसको थोड़ा स्पाइसी और हर्बल बना रहे हैं। और इसके अंदर ब्लेंड है लेवेंडर का, कोरिएंडर का, वाटरमेलन, क्यूकम्बर और जैस्मिन का। बेस नोट में आपको इसके अंदर मिलेगा सैंडलवुड, सिडारवुड, मस्क जो का। और इसका जो बेस नोट है इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, अपलिफ्टिंग एंड एरोमेटिक फ्रेग्रेंस बनाता है। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये आपको ट्रांसपोर्ट कर देगी एक सॉल्टी सन बेक्ड बोट है, उसका जो डेक है हॉट समर्स में। और जो ऑफिशियल नोट्स इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको मिलेंगे, टॉप नोट में आपको इसके अंदर मिलेगा मैंडरिन, वायलेट लीव्स, बर्गमॉ। हार्ट नोट में आपको इसके अंदर मिलेगा ट्यूब रोज, जैस्मिन रोज, यलांग यलांग, नेरोली। और बेस नोट में आपको इसके अंदर मिलेगा ऑरिस, सैंडलवुड और सिडारवुड। सो गाइज काफ़ी एक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही हाई क्वालिटी लगता है, हल्की सी स्वीटनेस है, स्पाइसीनेस है, फ्लोरल नोट्स हैं, फ्रेशनेस है, तो काफ़ी एक अल्योरिंग सी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी हटके है ये फ्रेग्रेंस। और एक बार इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये एक क्रीड का हिडन जेम है। अब बात करूं अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है 2015 बैच है, 2015 में 120 ml की क्वांटिटी में फ्रेग्रेंसेस आती थी। जी हाँ, ये 120 ml की क्वांटिटी में है और ये 100 ml की क्वांटिटी में है, तो काफ़ी 20 ml का फ़र्क आ गया है। अब क्रीड जो है वो ग्रीड हो गई है, मैं उसको ग्रीड बोलता हूँ क्योंकि क्वांटिटी भी कम कर दिया है, परफॉर्मेंस भी जो न्यूअर बैचेस की है वो परेशान कर रही है लोगों को, परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल रही है और प्राइस तो इतने ज़्यादा हाइक कर दिए हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट फिर भी डिस्काउंटर्स पे ये फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो मैंने आपको सेलर का नंबर दिया है वहाँ पे आप इसके प्राइसेस पूछ सकते हैं, तो आपको हो सकता है अच्छी डील मिल जाए वहाँ से। मैंने तो ये अच्छे खासे प्राइस पे ले ली। अब मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो 2015 का जो बैच है ये पुराना बैच है, ये ज़्यादा लास्ट कर रहा है न्यू वाले बैचेस से। ये 6 घंटे लास्ट कर रहा है, तो ये 8 घंटे स्किन पे लास्ट कर रहा है।
कपड़ों पे 10 से 12 घंटे लास्ट कर रहा है ये, और सियाज जो है इसका 2 से 2.5 फीट तक है, तो परफॉर्मेंस बेटर है, क्वांटिटी भी ज़्यादा आती थी पहले और प्राइस भी थोड़ा कम था, बट फिर भी क्रीड लवर्स जो हैं वो अपने कलेक्शन में हमेशा क्रीड को रखना चाहेंगे। सो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा एवेंटस से हटके कुछ नया ट्राई कीजिए क्रीड का, और एक अरोल्फा मैंने बताया जो पूरा एक ओशियनिक मरीन फ्रेश फ्रेग्रेंस है, और उसी तरफ दूसरा है ये भी फ्रेश ही फ्यूजर बार्बर शॉप ओल्ड मनी स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंस है। सो गाइज, दोनों ही अपने कलेक्शन में रख सकते हैं आप, दोनों ही ट्राई कीजिए। और गाइज, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे वीडियोस कैसी लगते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई फ्रेग्रेंसेस के साथ, तब तक खुश रहिए और खुशबूदार रहिए।